हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आईसीयू टेक। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड प्रेशर के बारे में। सो ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं और एज के हिसाब से कितना ब्लड प्रेशर होना चाहिए, सो इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो गाइस, पहले तो हम ये जानेंगे कि ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं, ठीक है। सो जैसे कि आप लोग जानते ही हो आर्टरी का काम क्या होता है। सो आर्टरी बेसिकली ब्लड को कैरी करता है और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही कैरी करता है। जब ब्लड को कैरी करता है तब आर्टरी के वालों में एक प्रेशर क्रिएट होता है, वो ब्लड की तरह ही होता है। सो उसी प्रेशर को ही हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। सो गाइस, इसके बाद हमें दो चीज़ें जानना ज़रूरी है, वो है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या है? जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारा हार्ट हमेशा बीट होता रहता है, ठीक है। सो वो एक बार कॉन्ट्रैक्ट होता है और एक बार रिलैक्स होता है। सो कॉन्ट्रैक्ट होने के टाइम पे जो प्रेशर क्रिएट होता है उसी को ही सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। और जब रिलैक्स होगा, सो बीट करने के टाइम पे रिलैक्स भी होगा, सो रिलैक्स होने के टाइम पे जो प्रेशर क्रिएट होता है उसको हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। सो गाइस, इसके बाद हम एज के हिसाब से ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो अगर हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज से मिनिमम होता है तो उसको हम हाइपोटेंशन बोलते हैं, अगर नॉर्मल रेंज से मैक्सिमम है तो उसको हम हाइपरटेंशन बोलते हैं। चलिए ब्लड प्रेशर के रेंज को देखते हैं। सो एज 1 से 12 मंथ के बीच में जो ब्लड प्रेशर का मिनिमम रेंज है वो है 75/50, नॉर्मल है 90/60 और मैक्सिमम है 110/75। सो इसका जो यूनिट है वो है mmHg, ठीक है। उसके बाद एज 1 से 5 इयर्स के बीच में मिनिमम है 80/55, नॉर्मल है 95/65 और मैक्सिमम है 110/79। उसके बाद एज 6 से 13 इयर्स के बीच में जो मिनिमम है वो है 90/60, जो नॉर्मल है वो 105/70 और मैक्सिमम है 115/80। उसके बाद एज 14 से 19 ईयर्स के बीच में मिनिमम ब्लड प्रेशर है 105/73, नॉर्मल है 117/77 और मैक्सिमम है 120/81। उसके बाद एज 20 से 24 ईयर्स के बीच में मिनिमम है 108/75, नॉर्मल है 120/79 और मैक्सिमम है 132/83। उसके बाद एज 25 से 29 ईयर्स के बीच में मिनिमम है 109/76, नॉर्मल है 121/80 और मैक्सिमम है 133/84। उसके बाद एज 30 से 34 के बीच में मिनिमम है 110/77 और नॉर्मल है 122/81 और मैक्सिमम है 134/85। उसके बाद एज 35 से 39 के बीच में मिनिमम है 111/79, नॉर्मल है 123/82 और मैक्सिमम है 135/86। उसके बाद एज 40 से 44 के बीच में मिनिमम है 112/79 और नॉर्मल है 124/83 और मैक्सिमम है 136/87, ठीक है। उसके बाद एज 45 से 49 की ईयर्स के बीच में मिनिमम है 115/80, नॉर्मल है 127/84 और मैक्सिमम है 139/88। उसके बाद एज 50 से 54 की ईयर्स के बीच में मिनिमम है 118/81, नॉर्मल है 129/86 और मैक्सिमम है 142/89। उसके बाद एज 55 से 59 की ईयर्स के बीच में मिनिमम है 118/82, नॉर्मल है 131/86 और मैक्सिमम है 144/90। उसके बाद एज 60 से 64 ईयर्स के बीच में मिनिमम है 121/83 और नॉर्मल है 134/87 और मैक्सिमम है 147/91, ठीक है। सो गाइस, यही है ब्लड प्रेशर के बारे में एज के हिसाब से नॉर्मल और एबनॉर्मल वैल्यूज, ठीक है। सो गाइस, आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।